या बाजार के प्रति है, या राज्य की नीतियों के प्रति है, या और जब हम कहते हैं विद्यार्थी के प्रति है तो उसका मतलब क्या होता है? ये तो बहुत आसान उत्तर है, हर कोई यही कहेगा कि मेरी पहली जिम्मेदारी तो उसके प्रति ही है, लेकिन उसका आशय क्या है? जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या विद्यार्थी को राज्य का, बाजार का, कॉर्पोरेट्स का एजेंट बना देना है, या उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना है? मुझे जो विषय दिया गया था उसमें कुछ लिखा था कि टैलेंट को कैसे डेवलप करें, तो पहला सवाल तो उठता है कि टैलेंट होता क्या है? हिंदी में उसे हम प्रतिभा कहते हैं, ये प्रतिभा क्या होती है, किस चीज को प्रतिभा कहेंगे? आजकल हम किन बच्चों को प्रतिभाशाली मानते हैं? हमारे यहां जब एडमिशन होते हैं तो मानते हैं हम लोग IIIT में कि देश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोग हमारे यहां आते हैं, मतलब उनमें से कुछ लोग दूसरे भी जाते होंगे, वो हमारे यहां आते हैं, मतलब वहां एडमिशन होने का मतलब ही है कि आपका कैरियर आगे तक सेट हो गया, प्लेसमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो और एडमिशन बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं किसके निमतान में कितने कितने परसेंटेज आने पर वो होता है। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या प्रतिभा का तात्पर्य यह है कि इम्तहान में या कंपटीशन में आपने कितना ग्रेड ले लिया, कितना रैंक ले लिया, और उसके आधार पर आप कहीं एडमिट हो गए, उसके आधार पर कुछ अच्छे नंबर भी लाते रहे बाद में, और कहीं ठीक जगह पर बैठ गए, क्या यही प्रतिभा है? मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, समझ में तो कुछ खास नहीं आया था उस समय, क्योंकि बड़ा जटिल उपन्यास था, पर रोचक लगा था तो पढ़ गया। शेखर एक जीवनी, बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी का माना जाता है, उसमें एक वाक्य था, एक बच्चा है जो विकसित हो रहा है, और ये विकसित होता हुआ बच्चा जिन जिन उलझनों से गुजरता है, जिन जिन परिस्थितियों में से गुजरता है, जिन जिन चुनौतियों में से गुजरता है, जिन कुंठाओं और प्रश्नों में से गुजरता है, ये सब उसमें है। तो है बड़ी भाषा वगैरह ऐसी नहीं थी जो मैं उस समय समझ पाता, आज भी पता नहीं कितनी समझ पाता हूँ, लेकिन वो रोचक इसलिए लगा कि मुझे लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, जैसे जो हर बच्चे के मन में वो सवाल उठते हैं जो उसमें उस बच्चे के मन में उठे हैं, हर बच्चा उसी तरह विद्रोह भी करता है, हर बच्चा उसी तरह दबदबा भी है, वो सब कुछ उसमें है। तो उसको पढ़ते हुए उसमें एक वाक्य आता है कि वो बच्चा क्या कह रहा है, मतलब बच्चे की तरफ से लेखक कह रहा है कि जो मैं हूं वह मैं हो सकूं, जो मैं हूं वह मैं हो सकूं, यानी मैं क्या हूं? मैं कोई आध्यात्मिक उत्तर की बात नहीं कर रहा, कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहा, यानी जितनी संभावनाएं मुझ में हैं उनको मैं सिद्ध कर सकूं, रियलाइज कर सकूं।